काले पिता परमेश्वर आपके नाम को हम धन्यवाद देते पिता। इस समय के दौरान पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा निरंतर पिता परमेश्वर के तहत पिता और पिता परमेश्वर आपकी संगति के रूप में उपासकालीन प्रार्थनाओं के माध्यम के द्वारा या पिता परमेश्वर मसीह में पुनः एक बार फिर से आत्मा के पिता परमेश्वर की दारी के तहत और पिता परमेश्वर कहने पाए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा पिता है। प्रार्थना का सुनने वाला अनुग्रह के द्वारा वचन में हमें अगुवाई करने वाला भाई चांद माता के द्वारा पिता परमेश्वर वचन कराया जाता है इसे आप परिपूर्ण करें अपने सामर्थ्य और अपने उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह नाम से हमारा आमीन आमीन। ओके सो हम गीत गाएंगे जय जय प्रभु यीशु की। ये लाइट ऑन हो सकती है क्या ये वाली? हाँ जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की हुसाना हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो करो आ
प्यारा जाएगा वो लेने तुम्हें रहना तुम तैयार होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आएगा वो लेने तुमको रहना तुम तैयार बोलो हालेलुया जय जय प्रभु यीशु की होसाना हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु बार बार हम सबको ये मौके देता है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए, उसके कलाम को सुने, उसके कलाम को बांटे। और मैं एक्चुअली पास्टर जी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई आप मेरे को मौका दीजिए बारह बोलने का, लेकिन मेरा जो बोलना है मैं ये जो डे टू डे हमारी चीज़ें होती हैं, हम लोग जैसे लैंड डे में भी हमने एंटर किया है, तो ये जो 40 दिन होते हैं इन 40 दिन हमारे डिवोशन के तहत, और इसमें हम लोग अपने आप को डिवोट करते हैं, अपने सेक्रीफाइस करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं, पीते हुए रोज़ा रखो, ये सारी चीज़ें हैं। कई लोग बोलते हैं हमने ऐसा किया सेक्रीफाइस, तो दैट इज बेसिकली क्या है, सेक्रीफाइस है। और सेक्रीफाइस करते हुए क्या रहता है, हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम टेम्पटेशन आ जाती है, हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी टेम्पटेशन आ जाती है और हम एक छोटा सा पाप करते हैं, ठीक है, और फिर हम ये ऐसा सोचते हैं यार चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है इस बारे में, इस छोटे से पाप के बारे में बाइबल क्या बताती है, हम पढ़ेंगे नंबर्स, गिनती किताब में पढ़ देता हूँ पास जी है मेरे पास, गिनती की किताब 27वां अध्याय 12 से 14 पर, नंबर्स 27:12-14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबरीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इसराइलियों को दे दिया, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इंसिडेंट क्या हुआ कि मूसा ने 40 साल तक उन लोगों को वहां से निकाल के लिखा है। कितने लोग थे, 3 लाख से ज्यादा लोग थे जो वहां से निकले, 12 के बीजों के जो बढ़ गए थे वहां पर, वो सब लोगों को निकाल के लाया और वहां पे इसराइलियों ने क्या क्या बहुत सारी उनकी टूटी गई, बहुत सारे लोगों ने हमेशा वो लोग पाप करते थे और प्रभु ने फिर भी उनको माफ करा, और मूसा उनसे कुछ अलग नहीं हुआ, जबकि मूसा उनका अगुआ था, खुदाबाद ने मूसा को उनका अगुआ बनाया। और मूसा को क्या हुआ कि जब वो उनको लेके चल रहा था 40 सालों के अंतर्गत, तो मूसा को प्रॉमिस्ड लैंड में एंट्री होने के लिए खुदाबाद ने मना, मूसा तो नहीं गया था नाम ने इसमें, जो खुदाबाद ने बोला था कि भाई कौन गया था, जोशुआ है ना, तो कोई बाकी जो 3 लाख निकले वो भी नहीं गए, सब मरकम गए 40 साल, और मूसा भी मर, जबकि मूसा तो इतना वफादार था खुदा, मूसा तो खुदा से बात करता था, उसको उर्दू में अगर बोले तो उसे कलीमुल्ला भी बोला जाता है, ठीक है ना, कलीमुल्ला मतलब जो खुदा से बात कर रहा, तो खुदा से बात करने वाला, खुदा को आमने सामने देखने वाला इतना, लेकिन उसी को प्रॉमिस लैंड में क्यों जा रहे थे, कितनी बड़ी बात है। हम लोग भी अपनी जिंदगी में ऐसे करते हैं, हम लोग बहुत सोचते हैं कि ये करना है वो करना है फलाना करो फलाना करो, और एक दिन हमारी जो है वो सारे किए करा के काम, तो जब हम प्रभु के लिए कार्य करते हैं, जब हम प्रभु के नजदीक में जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, तब हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। और ये समय वही चल रहा है, ये जो 40 दिन का समय है ये समय वही है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। और जब हम प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं अपने आप को, अपने सारी चीज़ों से, अपनी सारी चीज़ों से हम प्रभु को समर्पित करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। कई बार मेरे सामने पास्टर जी भी साथ में रहते हैं, कई लोग मतलब बातें होती रहती हैं, लोग बोलते हैं कि हम तो इतने दिन से प्रार्थना करें हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, प्रार्थना प्रभु ने हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, फलाना हो गया, एंड वो प्रभु से दूर होकर चले, लेकिन ऐसा नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या क्या किया, प्रभु से तो हम मांग रहे, प्रभु ने अपने लहू दे दिया हमें बचाने के लिए, हमारे पापों से छुटकारा देने के लिए अपना लहू बहा दिया है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रभु जो है वो बदलने वाला प्रभु। मैं पास्टर जी से जब बात कर रहा था, एक फिल्म देख रहा था रोग करके, द रोग, रोग हारो भी रोग,
चोगा रहता है, वो चोगा खुदावन यीशु मसीह का चोगा था। तो उसमें एक बंदा था जो ट्रिब्यून, ट्रिब्यून जो होते हैं जैसे सेंचुरियन होते हैं, सेंचुरियन होते हैं 100 लोगों की सेना को लेकर चलने वाले, और ट्रिब्यून उनसे ऊपर होते हैं जो कि डायरेक्टली रोम से अपॉइंट होते हैं, और वो पेंतुस पिलातुस की बातों में नहीं आते हैं, उनको जो करना है वो करते हैं, क्योंकि देर रिपोर्ट को डायरेक्टली उनका रोम में करते हैं। तो ट्रिब्यून था, उसका नाम था मार्सिलस, और उसको भेजा गया यहाँ यरूशलम, यरूशलम में भेजा गया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो उसने बोला कि तुम जाके जरा यरूशलम में देखो, राजा ने बोला कि भाई तुम जाके यरूशलम में देखो क्या हो। तो जब वो यरूशलम में गया उसके पाम संडे था, पाम संडे, और यीशु मसीह आ रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें तो ज़्यादा भी एक्सप्लेन करने में लोग गए, मैं खाली एक बात बता रहा हूँ। पेंतुस पिलातुस ने आपने कई बार मूवीज में भी देखा होगा, कई बार इसमें भी बाइबल में भी पढ़ा है कि उसने पेंतुस पिलातुस ने अपने हाथ में, तो मैं इसको सजा नहीं दिया, उसने क्या किया मार्सिलस को सौंप दिया, बोले मेरी भाई अपनी चढ़ा दे, पुरुष को नहीं दिखा मैं तो इसके मर ही हुआ, अब तू चढ़ा दे। और मार्सिलस तो भाई रोमन वो था, तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं अपने पूरे ट्रिब्यून था, तो उसने अपने सारे गार्ड्स को लेकर बोले चलो चढ़ाओ इसे क्रूस पे, लेके गया क्रूस के वहाँ पर लेके गया, वहाँ पे जब क्रूस पे चढ़ा तो उसके रोग को उन्होंने बांट दिया, लॉटरी डाल के उन्होंने बांट दिया, वो आया इसके हिस्से में मार्सिलस। अब मार्सिलस के हिस्से में जब आया तो मार्सिलस मतलब यूज वही क्रूस के नीचे ही उन लोगों ने किया था, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, क्रूस के नीचे ही वो बांट रहे थे। तो उसके हिस्से में आया, जब जैसे ही उसने उस चोगे को हाथ लगाया, उस रोग को हाथ लगाया, उसका दिमाग बिगड़ गया, और वो ये सोचने लगा कि मैंने क्या किया। और फिर वो उठ के क्रूस की ओर गया, और क्रूस जैसे यीशु मसीह ऐसे रखते हुए, और उसने ऐसे हाथ रखकर तो सोच में लगा कि ये मैंने क्या किया, प्रभु का ब्लड जो था जिसके हाथ पे ऐसे रखते हुआ, जब उसके हाथ पे ब्लड आया तो ही वॉज टेरिफाइड, तो डर गया कि मैंने क्या, और वो मार्सिलस का जीवन बदल गया, उसने अपना जीवन पूरा यीशु मसीह को दे दिया, अपनी वाइफ को भी, वो भी रोमन थी, उसको भी लेके आ गया, उसको अपना जीवन दे दिया, बाद में क्या कर रोमन एम्परर ने उन दोनों का हस्बैंड वाइफ को फांसी के सजा मार दिया, लेकिन उसने पूरा बाप के लिए अपना जीवन दे दिया। कितना बड़ा आदमी था, ट्रिब्यून बोले तो मतलब पूरा मालिक हो जाओ, कितना यीशु मतलब प्रभु का लहू जो है हमको कैसे मिल गया। हम बात करते पाप की, एक पाप जो है वो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, और एक चीज जो हम प्रभु की तरफ जाते हैं, प्रभु का लहू हमको प्रभु में बदल देता है, है? तो खुदा उसको बोलता है कि भाई मैं तुझको प्रॉमिस लैंड में नहीं जाने दूंगा, बिकॉज वन सिन दैट ही हैड कमिटेड अर्लियर इन द डेजर्ट, इन नंबर्स 20 गिनती किताब 20 उसका 1-13 तक अगर हम देखेंगे, कि जब वो विल्डरनेस में था, जब वो जंगल में था, तो लोगों को क्या हो रहा था कि वहाँ पे गिनती किताब उसका 20वां अध्याय 1-13 तक में लिखा हुआ है, वहाँ पर वो इंसिडेंट है कि जब लोग प्यासे मर रहे थे, है ना, प्यासे मर रहे थे, और प्यासे मर रहे थे तो लोगों ने क्या बोला वहाँ पे, अरे तू हमको पानी नहीं दे रहा, ये है वो है, है ना, अगर हम लोग तू हमें पानी नहीं देगा तो ये करेगी, तो मूसा ने क्या किया, प्रभु आपसे हेल्प मांगी, है ना, और मूसा दैट ही शुड स्पीक टू गॉड एंड वाटर वुड कम टू, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रभु ने क्या बोला उसको कि यू शुड स्पीक टू द रॉक एंड वाटर विल कम आउट, बट मूसा ने क्या किया, हम सबको मालूम मूसा ने क्या किया, इसने क्या किया, हुक्म उदूली करी खुदा बाप की, खुदा बाप का कहना नहीं माना, खुदा ने कहा था कि तू इस रॉक से बोल बोल इसमें से पानी निकलेगा, लेकिन मूसा ने तो उस टाइम तो मूसा उन्हें देखे लाठी मार दी, क्योंकि वो सब लोग चिल्ला रहे थे, एंड वो सीन जो था उसने मूसा को प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए रोक दिया। इस कारण से बोलते हैं ना कि मूसा क्यों नहीं जा पाया प्रॉमिस लैंड में, मूसा को ये कारण था, ये एक ही कारण था जिसकी वजह से मूसा को प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए मिला, और उसके बीच में ही उसे उठा दिया गया है मृत्यु हो गई। तो खुदा जो है, गॉड इज सो होली दैट इवन वन सिन कीप्स यू आउट ऑफ हिज प्रेजेंस,
तो हमारा खुदा जो है, हमारा परमेश्वर जो है, वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि एक छोटा सा गुनाह या एक छोटा सा सिन हम उससे दूर करते हैं। दूसरा, और प्रॉमिस्ड लैंड जो है यहां पे अगर हम देखें तो वो सिंबॉलिक है किसका, हेवन, सिंबॉलिक है हेवन कि हमको अगर हेवन जाना है तो हमको अपने आप को शुद्ध ही रहना है, पाप से बचना है। अगर हम पाप करेंगे तो हमको हेवन नहीं मिलेगा। और खुदा खाली उन्हीं लोगों को रिसीव करेगा दोज हु आर सिनलेस इनटू द प्रॉमिस्ड लैंड, प्रभु उन्हीं लोगों को ग्रहण करेगा जो कि पाप मुक्त हेवन। तो कईयों के लिए क्या होता है, जैसे मूसा के लिए कौन सा सिन था, मूसा का डिसोबीडियंस, खुदा की बात है ना, वो गॉस्पल की बात है, वो ये सोचते हैं दे थिंक दैट दे आर रियली ओके एंड डोंट यू टू हो, कई बार सोचते हैं कि भाई ठीक है चलता है यार, अल्लाह चलता है यहाँ ठीक है, एक चीज नहीं मानी तो क्या, इतना तो कर रहे हैं आप, खुदा ऐसे भी नहीं करेगा, मतलब दिस इज व्हाट द एटीट्यूड ऑफ पीपल, अरे हम इतना तो दान दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, इतना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो हम लोग वो स्टोरी पढ़ते हैं, स्टोरी क्या है, वो हकीकत है, जब वो एक गुड़िया जो थी वो उसके पास इतना पैसा नहीं लेता कि वो एक ब्रेड खा लो, वो पैसा भी उसने अपने उसको दान कर दिया, और वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग आए थे पैसा दिखा दिखा, लेकिन खुदा ने किसको देखा, उस गुड़िया को देखा, वो ही हमारे ये हम लोग को शो ऑफ हुए, हम लोग को अपना तन अपना मन, लेकिन धन की जहाँ तक मैं आप बोलता हूँ, धन प्रभु देता है और धन प्रभु के काम कभी नहीं, पैसे से पैसे के लिए या पैसे से प्रभु के काम कभी नहीं, कभी नहीं रुकता, मैं नहीं दूंगा आप देंगे, आप नहीं दोगे आप दोगे, आप नहीं दोगे आप दोगे, ये नहीं देंगे ये नहीं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा, क्योंकि प्रभु का काम है। और हम ये सोचेंगे नहीं हम पैसा दे रहे तो प्रभु का काम हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, हाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो प्रभु के काम के लिए हमको क्या करना है कि अपने डिसोबीडियंस को हमको स्टॉप करना है, अनफेथफुल और लेजीनेस को हमें रिस्टोर करना है, वी शुड बी अनफेथफुल टू गॉड, वी शुड बी लेजी टू गॉड, we have to restore our right relationship with God. प्रभु के साथ हमें सच्ची और सही रिलेशनशिप कायम करनी है, और वो रिलेशनशिप जब हम कार्य करते हैं, कैसे हम वो रिलेशनशिप कायम कर सकते हैं, by confessing to God our sin. हमें यहाँ किसी फादर के सामने जाके झुकते वहां पे चर्च में जाके फादर को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गॉड इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद यू, टेल गॉड ये प्रभु मेरे से ये गुनाह हो गया, प्रभु माफ करने वाला, प्रभु माफ करने वाला, अगर हमसे जाने अनजाने कोई गुनाह होता है तो दुनिया में रहते और हमसे कई बार ऐसे मेरे को भी गुस्सा आ जाता, मैं भी कभी मेरे से अपशब्द निकल जाता, कभी कोई ऐसा हो गया ऐसा हो गया ऐसा हो गया, बट क्या है कि जो जहाँ अनजाने से हमसे गुनाह होते हैं है, या हम कभी जानबूझ के भी हम करते हैं, अगर सच्चे मन से प्रभु से अपना राइट रिलेशनशिप कायम करें और प्रभु के सामने अपने पापों का इकरार करें तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा, है ना, तो डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू फ्रॉम एंटरिंग, कोई भी चीज आपको प्रभु के पास आने से रोकना नहीं चाहिए, यही मेरी इस हफ्ते की मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि हम प्रभु प्रभु के आगे अपने को नतमस्तक करें, प्रभु को अपना दिल दिखाएं और प्रभु से अपना एक राइट रिलेशनशिप, जैसे मूसा ने प्रभु को डिसओबे किया और प्रभु ने उसको प्रॉमिस लैंड में नहीं,
तो हम जान बूझ के हम प्रभु को दूसरे को नहीं करते. बी ओबीडियंट टू गॉड, कन्फेस टू गॉड आवर सिंस एंड गॉड विल डेफिनेटली ब्लेस यू. आई एम प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर के धन्यवाद है प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो तुमने हमको दिया है. प्रभु तू महान कृपालु प्यारे पिता परमेश्वर है. प्रभु तू अपने बंदों को नवाजता है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर. और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तुमको तैयार करता हूँ ताकि तुम्हें रीत बनाए. तूने कहा है कि जहाँ कहीं मेरे नाम से दो या तीन घंटे में मैं उनके बीच में दूंगा. और प्रभु हमारा विश्वास है कि तू हमारे बीच में है, हमारी अगुवाई और हमारी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर इस घर के लोगों के इस परिवार के ऊपर प्रभु तो अपनी विशेष आशीष का हाथ रख. इस परिवार ने अपने लोगों के लिए तेरे लिए अपने दरवाजों को खोला है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर. उनको इनवाइट किया है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर. प्यारे प्रभु ये तेरा अनुग्रह उनके ऊपर बना है. उनके भंडारों में प्रभु कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर. घर के भंडार सदा सदा बने रहे, बढ़ते रहे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर. प्यारे प्रभु जो भी हम लोग यहाँ पे प्रेयर में आए हैं प्रभु हमारे आने जाने में तूने हमारी सहायता, हमारे आने में तूने हमारी सहायता, कभी जाने में भी प्रभु तू हमारी सहायता. और हमने से हर एक व्यक्ति को मेरे प्यारे पिता परमेश्वर जो इस समय यहाँ मौजूद है प्यारे पिता परमेश्वर जो अपना हाथ हम बरकत का हाथ हम सबकी ओर बढ़ा और हमको अपने आना पड़ा. आगे का समय हम तेरे हाथ में सौंपते हैं. आमीन. तुझे आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो. हमारे हमारे कसूरों को माफ़ किया, हमारे कसूरों को भी माफ़ कर, हमें इजमाइश में डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह आशीष ग्रहण करेंगे. अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्रात्मा की संगति, सहभागिता अब से लेकर मसीह के विश्वास के रूप में घर घराने के तहत और विशेष रूप से आंटी के तहत, बच्चों के तहत और नाती पोतों के तहत पिता परमेश्वर आशीष से बनी रहने पाए. आमीन. आमीन. जय मसीह की आंटी. God bless you. जय मसीह की. जय मसीह की. चांद भाई. जय मसीह की. भाई साहब. जय मसीह की. प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की. जय मसीह की. बेटा इधर भी जय मसीह की कर मुझे. जय मसीह की. हाय. जय मसीह की. अरे वाह वाह वाह. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. आमीन. 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 मेरे भी लगाना. मेरे भी लगा. तेरे पास है मेरे पास.